हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 32 साइज़ का प्रिंसेस कट बोटनेक ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ मीटर अस्तर लिया हुआ है इस तरीके से, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। फोल्ड वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है और ये हाफ मीटर में ही कटिंग हो जाएगा 32 साइज़ का ब्लाउज़। तो देखिए, ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने 14 इंच पर एक मार्किंग कर ली है और इस तरीके से इसे एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लिया है। शोल्डर और आर्म होल्स हमें 6.5 इंच लेना है 32 साइज़ में, और इसे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके मिला दीजिएगा। तो यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है 8 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। नेक विड्थ के लिए मार्किंग की है 4 इंच, कमर के लिए मार्किंग की है 6.5 इंच, और 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है कमर की तरफ से। अब हम इसे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ वन टक्स ब्लाउज कटिंग करने का आपको, और इस तरीके से आप क्रॉप टॉप भी बना सकते हैं। तो देखिए, हाफ इंच से थोड़ा सा कम हमें यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से, और इसे कटिंग कर देंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग कर ले 4 इंच पे, कम रखना चाहते हैं तो 3.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आगे और पीछे के दोनों ही पार्ट कट हो गए हैं। अब हम यहाँ से आर्मोल्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 1.25 इंच आपको अंदर की तरफ लेना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो ये फ्रंट आर्मोल्स में हमें देनी होती है, इससे फिटिंग अच्छी आती है इस तरीके से। अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, टक्स के लिए यहाँ से हमें विड्थ में लेना है 3 इंच, ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पर, और इस तरीके से इसे मिला देना है 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से ले लें। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग कर लीजिएगा। नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो विड्थ 4 इंच है, लेंथ में 3.5 इंच ले लीजिएगा। एक बॉक्स बनाकर इस तरीके से बोट नेक का शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पर बोट नेक का शेप दे दिया है और इसे कट भी कर लिया है। देखिए, अब हम इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर भी मैंने दोनों ही पार्ट साथ में कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल्स नापेंगे यहाँ से हम, तो आर्म होल्स आ रहे हैं 7 इंच, इसमें हाफ इंच आप प्लस कर लीजिएगा और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो मेरे पास जितना भी फैब्रिक बचा है उसमें मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। स्लीव्स की लेंथ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जितनी बड़ी भी आप रखना चाहते हैं। तो डिज़ाइन का ध्यान रखिए कि स्लीव्स में भी डिज़ाइन एक जैसी ही आए आपकी। और लेंथ ले ली है मैंने यहाँ से, और आर्मोल्स जो नापे थे हमने यहाँ से वो ले लिए हैं 7.5 इंच पे। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का रख कर 3 इंच पे डाउन कर देंगे हम स्लीव्स को। तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लें और इसे स्लीव्स का शेप दे दें इस तरीके से। गोलाई और मोरी की मार्किंग कर लेनी है आपको। एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है साइड से और इसे कट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी स्लीव्स कटिंग हो गई है। देखिए यहाँ पर, अब हम फ्रंट के लिए गोलाई दे देंगे यहाँ पर। तो देखिए, हाफ इंच जितनी मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है और मार्किंग कर ली है। बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। विड्थ 4 इंच है, लेंथ 11 इंच है, नीचे से भी विड्थ 4 इंच है, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। 2.5 इंच पे हमने एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है और नीचे से पत्ती का शेप दे दिया है। यही मार्किंग हम पेपर पेस्टिंग पे भी कर लेंगे। अंदर की तरफ इसे लगाएंगे। ये कैनवास होता है, आप इसे अंदर की तरफ नेक पर लगा सकते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए, सेम मार्किंग हम इस पर भी कर लेंगे। 2.5 इंच पे बॉक्स बनाकर राउंड शेप दे देना है और नीचे से पत्ती का शेप ड्रॉ कर देना है इस तरीके से।
और इसे हम यहाँ पर बैक ओपन बना रहे हैं। आप चाहे तो साइड में जिप लगाकर भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया है। अब हम इसी के अस्तर के ऊपर ही इसे चिपका लेंगे, अलग से फैब्रिक पर अटैच नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे देखिए प्रेस से इस तरीके से चिपका लेना है आपको। सेंटर से भी इसे कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट तैयार कर रहे हैं। तो इसे इस तरीके से रखना है आपको, मैन फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लीट्स भी डाल ली हैं इस तरीके से। अब हम नेक में फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर उरेब पट्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको उरेब पट्टी नेक पर अटैच कर लेनी है और बीच में छोटे छोटे से कट लगा दें आप। एक सिलाई कॉर्नर पर लगा दें पट्टी के ऊपर ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए, और इस तरफ से इसे उल्टी तरफ से फोल्ड कर देना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है फ्रंट वाले पार्ट का। अब हम बैक वाला रेडी करेंगे। तो बैक में हमें फैब्रिक को सीधा रखना है, मेन फैब्रिक को, और जो हमने पेस्टिंग चिपकाई हुई थी उसे इस तरीके से रखना है। तो जो पेस्टिंग पे हमने नेक बनाया है उसे शेप देते हुए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए जो भी कॉर्नर पर हम घुमाते हैं मशीन को, तो आपको सुई को बीच में रखना होता है और फिर उसे घुमाएं आप, तो जो कॉर्नर है वो अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है एक पैर का मार्जिन रखते हुए, और पूरे ही नेक पर हमने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। जो कॉर्नर से उन पे भी अच्छे से कट लगाएं। ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। और अब हम इसे पलट देंगे। कोनों को अच्छी तरीके से निकाल लें कोई नोक वाली चीज़ से आप। देखिए यहाँ पर मैंने इसे फिनिशिंग के साथ पलट लिया है। अब ऊपर से फिनिशिंग करने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे हम। फ्रेंड्स जो वन टक्स ब्लाउज़ होता है वो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। तो जब कभी भी आपको अर्जेंट में ब्लाउज़ रेडी करना हो अपने लिए, तो आप इस तरीके से कटिंग करके इसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और फिटिंग भी अच्छी आती है इसमें। तो देखिए अब हम बैक पार्ट में प्लीट्स अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 4 इंच की प्लीट्स ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही तरफ प्लेट्स डालनी है हमने। अब सेंटर से इसे कट कर देना है क्योंकि ये बैक ओपन है। अब हम इसमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो वो देखिए आप मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको भी अटैच करनी है। आपको स्टिचिंग और मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर हुक की पट्टी भी अटैच कर ली है इस तरीके से। दोनों को बराबर करके चेक कर लें कि कहीं से बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है हमारा कोई पार्ट, उसी टाइम आप इसे कट करके बराबर कर दें। अब देखिए यहाँ से हमें मार्किंग कर लेनी है कि हमारे दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं दोनों तरफ के। तो 7.5 इंच आ रहे हैं, तो इस तरफ का फ्रंट वाला पार्ट भी आप चेक कर लें कि बराबर है या नहीं, 7.5 इंच आ रहा है या नहीं।
देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसे कट कर लेंगे नीचे से। कट कर रहा था जहाँ से हमने, उसे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। स्टिचिंग के टाइम अगर आप मार्किंग करते जाएंगे, नापते जाएंगे, तो कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। अब हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। अगर इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे तो आपका पहनने के बाद फिटिंग अच्छा आएगा, जॉइंट से जॉइंट बराबर रहेंगे स्लीव्स के भी। तो देखिए अब हमने यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर लेनी है। तो जितना भी मार्जिन आपने लिया हुआ है नीचे की तरफ, उसे फोल्ड कर लें। और देखिए यहाँ से भी स्लीव्स को बराबर करके चेक कर लेना है कि कहीं से पार्ट कोई बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता है तो उसे शेप देकर आपको बराबर कर देना होता है। अब हम यहाँ से देखिए सेंटर से स्लीव ज्वाइंट कर लेना है। जो मार्किंग की थी फ्रंट के लिए गुलाई दी थी, उसे भी ध्यान रखना है आपको कि वो फ्रंट में ही आ रही है या नहीं। तो दोनों तरफ से हमें इस तरीके से स्लीव्स को ज्वाइंट कर देना है और ऊपर से डबल सिलाई लगा लेनी है स्लीव्स पर। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोड हैं कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइन के, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा आप। तो देखिए अब सेंटर्स में हमने कट लगा लिया है, वहाँ से बैक वाले पार्ट को उठाकर इस पर हमने एक पिन लगा ली है ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उस तरफ चले जाए। और सबसे पहले स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए एक सिलाई नीचे की तरफ लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है आपको। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच की कमर पट्टी तैयार की है। अब उस तरफ से फोल्ड करके आपको सिलाई लगा लेनी है। इसके नेक के ऊपर मैं एक लेस लगा रही हूँ, आप भी अपनी पसंद से चाहें तो कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो इससे नेक हमारा और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से फोल्ड करें। तो हमने पूरे ही नेक पर और स्लीव्स पर ये लेस लगा ली है। तो देखिए हमने यहाँ पर लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। स्लीव्स पर भी इसी तरीके से लगा लें। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले मैं कॉर्नर पर एक पैर की मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब हम सेंटर में मार्किंग कर लें। ये जो क्रीज बन रही है वो हमारा सेंटर पार्ट है। तो सेंटर से हमें फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो ऊपर से 8 इंच और नीचे से 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे भी हमें चेस्ट का 4th पार्ट ही लेना है और ऊपर से स्लीव्स के लिए जो भी आपका मेजरमेंट है उसके लिए मार्किंग कर लें और इसी तरीके से सिलाई लगा लें। देखिए दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से लगा लेना है। और यहाँ पर ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी हो गया है इस तरीके से। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।